नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ये रोयो प्लांट्स कैसे प्रोपगेशन करते हैं और रोयो प्लांट्स का जो डिजीज़ है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये पत्ता जो ये सूख रहा है, ये धीरे धीरे जो है इसके अंदर भी है और मैंने कुछ निकल के भी रखा, इसका कारण क्या है वो भी मैं बताऊँगा और इसको प्रोपगेशन के बाद क्या कैसे केयर करना है वो भी मैं आपको आज बताऊँगा। तो दोस्तों बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल गार्डन रूफटॉप, अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरा नया वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास तुरंत पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए ये जो मेरा रोयो प्लांट है, तो इस प्लांट मतलब बहुत ही छोटा एक मैं लेके इसको प्लांटेशन किया था कि 6-7 महीना पहले, तो ये कितना अच्छा मतलब बुशी बन गया और कितना सारा इसमें से मतलब ये बेबी रोयो है इसका जो है मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके ऊपर जो है आप पहला बात जो मैं करूंगा वो है इसको, ये जो पत्ता आप देख रहे हैं ये पत्ता क्यों इसका ये काला पड़ रहा है, सूख रहा है और इसको जो है इसके अंदर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं इसको खींचता हूँ, ये देखिए तो और भी इनसाइड भी है, इनसाइड में भी है, ये देखिए। तो इसका कारण जो है दोस्तों, पहला जो कारण है ये 2-3 दिन जो बारिश हुआ था तो उसके कारण जो है इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो गया और ओवर वाटरिंग होने से इसको रूट्स जो है वो सड़ने का खतरा होता है। तो इसीलिए हो सकता है कि इसका रूट्स जो है वो सड़ रहा होगा या तो इसके अंदर जो है फंगस पैदा हो गए, फंगस लगने की संभावना है। तो इसीलिए जो है मैं आज डिसाइड किया कि इसको जो है पूरा निकल के देखेंगे क्या क्या पोजीशन है, इसको प्रोपगेशन भी करेंगे। तो इसका जो प्रोपगेशन का पद्धति है जो कि आप इसको सेग्रीगेट करके प्रोपगेशन करते हैं, तो इसको जो है पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो है इसको सेग्रीगेट करके प्रोपगेशन हम करेंगे। तो उसके लिए जो है इसको पहले निकाल लेते हैं। और ये देखिए ये जो प्रोपगेशन के लिए मैंने 7 जो पॉट है मैंने ऑलरेडी जो सॉइल है उसका मैंने फिल करके रखा है। तो दोस्तों चलिए ये देखिए मैं इसको पहले निकाल लेता हूँ और पहले मैं आपको दिखाया था, ये देखिए। तो इसका और भी जो कारण है मैं आपको बताऊँगा, तो बने रहिए। तो पहले जो है इसको निकाल लेते हैं, देखिए। तो दोस्तों देखिए, ये देखिए मैंने जो है पॉट से निकाल लिया। अब देखिए इसके अंदर जो है मैं इसको सेग्रीगेट करूँगा, क्योंकि इसको सेग्रीगेट करके हम इसको प्रोपगेशन करेंगे। इसका जो ये देखिए साइड से जो है बेबी जो रोयो है वो निकाला है और इसको सेग्रीगेट करके हम इसको प्रोपगेशन करने के लिए इसको पहले जो है हम तोड़ेंगे। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर जो है ये सॉइल जो है बिल्कुल गीला है, उससे पहले 2-3 दिन का बारिश जो है इस बारिश के अंदर था ये, तो इसीलिए जो है इसके अंदर जो है ज़्यादा पानी, ज़्यादा मॉइस्चर हो गया और उस मॉइस्चर के कारण जो है दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं लिप्स जो है ये सूख रहा है, ड्राई हो रहा है। तो ये जो है मॉइस्चर इसमें ज़्यादा रहना नहीं चाहिए, इसको सॉइल जो है ड्राई होने के बाद ही जो है इसको जो वाटरिंग करना पड़ता है। तो 2-3 दिन लगातार बारिश के कारण जो है ये प्रॉब्लम इसमें आ गया। तो ऐसे रूट्स ठीक ठाक है, इसके अंदर फंगस भी नहीं है, जबकि मैं जो डाउट कर रहा था। तो चलिए अब इसको हम तोड़ लेते हैं, तो तोड़ने के बाद जो है हम इसको प्रोपगेशन करेंगे। तो दोस्तों देखिए इसको मैंने जो सेग्रीगेट कर लिया, सब अलग अलग कर लिया। तो ये जो बेबी प्लांट्स का जो है रूट्स नहीं है, तो इसीलिए इसी के साथ ही रहने दिया मैंने। तो इसमें भी ये देखिए और ये सेपरेट कर दिया, ये भी सेपरेट कर दिया, देखिए इसका रूट्स है। और जिसको रूट्स है उसको सेपरेट आप मतलब कर सकते हैं। तो ये रूट्स के साथ सेपरेट करेंगे तो ये जल्दी मतलब ये ग्रो हो जाएगा।
इसके लिए जो सॉयल है दोस्तों, ये सॉयल जो है वेल ड्रेन होना चाहिए, बिल्कुल जो है मतलब इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है, ड्रेनेज होल जो है, ड्रेनेज होल्स भी मतलब बढ़िया होना चाहिए। और उसको जो है बिल्कुल मतलब कनेक्ट, जब भी आप पानी इसमें डालेंगे तो ओवर जो है ज़्यादा एक्सेस जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। तो अगर ड्रेन आउट अगर ठीक से नहीं होगा तो फिर ये पौधा जो है पौधे के लिए ख़तरा है। तो पहले जो है इसको प्लांटेशन कर देता हूँ एक एक करके। तो इसको कर देते हैं, पहले इसको थोड़ा सा गड्ढा कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो है हो गया प्लांटेशन। एक एक करके मैं पहले जो है प्लांटेशन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने जो है पूरा सेग्रीगेट करके इसको प्लांटेशन कर दिया। तो इसका जो प्रोपागेशन है सेग्रीगेट करके, एक पौधे से देखिए आप, मेरे पास एक दो तीन चार पाँच छः पौधा बन गया। तो चलिए इसका जो केयर है अभी दोस्तों, इसको थोड़ा सा मतलब जो है हल्का इसमें वाटरिंग करना है बस, क्योंकि ये जो सॉइल है ये मॉइस्चर है इसमें, तो इसी के कारण जो है थोड़ा सा हल्का सा वाटरिंग करना है और इसको शेडी एरिया में ही रखना है। ये पार्शियल शेडी एरिया में ग्रो होता है, ये शेडी एरिया में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको जो है अभी प्रोपगेशन किया, अभी इसको जो है डिवाइड करके जो मैंने हमने जो प्रोपगेशन किया, इसके कारण जो है इसको बिल्कुल मतलब आप शेडी एरिया में रखें कुछ दिन, उसके बाद जब ये ग्रो करना शुरू कर देगा तब इसको जो है आप इसको पार्शियल शेडी एरिया में रखेंगे। तो अब जो है थोड़ा बहुत इसको वाटरिंग करना है, मैं उसको वाटरिंग करके दिखाता हूँ। उसके बाद जो है इसका जो ये वाटरिंग करना है, जब इसका जो ऊपर का सॉइल जब बिल्कुल सूख जाएगा तभी इसको वाटरिंग करना है। तो तब तक जो है ये जो सॉइल का जो मॉइस्चर है, इस मॉइस्चर में ये जो है ग्रो कर जाएगा। चलिए इसको जो है वाटरिंग कर देते हैं। बिल्कुल जो है इसको थोड़ा सा जस्ट इसको थोड़ा थोड़ा करके वाटरिंग करना है, ताकि इसका जो जड़ है वो मतलब मिट्टी से टच हो जाए। बस थोड़ा थोड़ा करके इसको वाटरिंग करना है। तो और ओवर वाटरिंग से इसको बचाइए, ओवर वाटरिंग नहीं करना है बिल्कुल जो है, जैसे रेनी सीजन में ज़्यादा रेन के लिए भी खतरा है, तो इसलिए इसको अंदर रखा था मैंने। तो उससे पहले जो है ये जो दो चार दिन जो बारिश में इसमें ये प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि इसलिए इसको आप केयर रखिए। और देखिए कितना अच्छा ये पौधा है, रोइयो प्लांट्स, एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो कि बगीचा में बहुत सुंदरता बढ़ाता है। उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी मैंने आपको दिया और आपको जो दिखाया कैसे इसको सेग्रीगेट करके प्रोपगेशन करते हैं, तो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मेरा जो चैनल गार्डन रूपटॉप, उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरा नया वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।